Assalamu alaikum, dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the last class of our chapter that is class Mammalia. So, let us move to the class board. So, class Mammalia. लास्ट क्लास ऑफ सुपर क्लास टेट्रापोडा और द मैम्स तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव पे नजर डाल देते हैं uh, जो टर्म मैमल है द टर्म मैमल Mammals was given by Linnaeus, was given by Linnaeus for those animals. Which are nourished by which are nourished by the milk of their. मदर्स ब्रेस्ट और मैमरी ग्लैंड क्लियर तो लिनियस ने उन जानवरों के लिए टर्म इस्तेमाल की थी मेमल्स मैमल मेमरी से मेमरी मतलब के ब्रेस्ट क्लैंड एक मेमरी यादाश्त होती है ठीक है उसके स्पेलिंग कुछ और होते हैं ये मेमोरी है एम ए डबल ए आर मेमोरी तो मेमोरी का मतलब होता ब्रेस्ट तो ऐसे जानवर जिनकी माए उनको अपने छाती के दूध से पालें नौमोलूद बच्चों को उनको मैमल्स कहा जाता है ठीक है और ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी लिनियस ने और उन तो ऐसे तमाम जानवरों को एक क्लास में जो है वो शामिल किया गया जिसको मेमेलिया कहते हैं और इफ यू टॉक अबाउट देयर एवोल्यूशन according to the evolutionary uh, concepts. The ancestors of mammals were reptiles. जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया बर्ड्स के वाला सभी बर्ड्स और मैमल्स इन दोनों के रेप्टेलियन इंसेस्टर्स थे लेकिन बर्ड्स में जो फॉसिल मिला था वो था आर्क्योप्टेरिस का जबकि रेप्टाइल जो कि जिसको समझा जाता है कि ये मैमल्स का इंसेस्टर है दैट इज कोटाइलोसॉर्स रेप्टाइल्स कॉल्ड कोटाइलोसोर्स और ऐसा समझा जाता है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दैट द एंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स लिव्ड सैमल टेनिस reptiles during jurassic times clear and they were called and they were called मैमल लाइक रेप्टाइल्स उनको मैमल लाइक रेप्टाइल्स कहा जाता था क्योंकि उनके अंदर कुछ 50% परसेंट करेक्टरिस्टिक्स मैमल्स वाले और 50% परसेंट करेक्टरस्टिक्स उनके अंदर रेप्टाइल्स uh, वाले थे मैमल लाइक रेप्टाइल्स वन ऑफ दम वॉज फाउंड इन टेक्सास जो यूनाइटेड स्टेट्स के एक स्टेट है कॉल्ड called... वारनोप ठीक है और वारन ओप ठीक और जो वारन है इट वाज अबाउट द साइज ऑफ A mice and used to live on trees or ye drakhton par rehta tha theek hai aur jo mammals hain the mammals flourished during इक एरा और सिनोजोइक पीरियड्स क्लियर नाउ द फीचर्स ऑफ मैमल्स तो इनमें से मोस्टली फीचर्स आपको पता है मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ Mammals It includes Number One The mammals have developed hairs. ऑन स्किन ठीक है स्किन के ऊपर हेयर्स हैं इंस्टेड ऑफ स्केल्स इंस्टेड ऑफ स्केल्स तो हमारी बॉडी पर स्केल्स नहीं होते बल्कि हेयर्स होते हैं ठीक है नंबर वन नंबर टू मेमल्स हैव डायफ्रैम मेमल्स हैव डाइफ्रैम इससे पहले पूरे चैप्टर में अब तक आपने कहीं पर भी ये वाला फीचर नहीं पढ़ा किसी भी फाइलम में किसी भी एनिमल्स में ये वाला आपने ये जो फीचर है डायाफ्रैम वाला नहीं पढ़ा ये सिर्फ मेमल्स की खासियत है ये उसी की प्रॉपर्टी है डायाफ्रैम फॉर ब्रीथिंग यानी कि रेस्पिरेशन में चैप्टर नंबर थर्टीन में इसको डिस्कस भी किया जाएगा हलमारे लंग्स के बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक थिक मस्कुलर शीट है जिसको डायफ्रेम कहते हैं एंड इट आल्सो सेपरेट इट आल्सो सेपरेट्स चेस्ट कैविटी जिसको हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं उसको सेपरेट करता है एबडोमिनल कैविटी से थोरासिक कैविटी फ्रॉम एबडोमिनल कैविटी ये वाला पॉइंट चैप्टर नंबर थर्टीन में भी आपसे डिस्कस करूंगा इनशाला एबडोमिनल कैविटी नंबर थ्री इफ यू टॉक अबाउट थे स्कल स्कल की अगर हम बात करें तो द लोअर चॉ द लोअर जॉ है सिंगल बोन उसमें सिर्फ एक ही हड्डी है जिसको मैंडिबल कहते हैं ये वाला लोअर चॉ कॉल्ड मैंडिबल विच आर्टिकुलेट्स विथ विच आर्टिकुलेट्स डायरेक्टली वेद स्कल तो ये इधर से स्कल से स्कल के साथ अटैच होती है वहां पर आर्टिकुलेट होती है वहां पर इसका ज्वाइंट बनता है ठीक है टेम्पोरमेडिगुलर ज्वाइंट अनदर इंपॉर्टेंट फीचर सो पॉइंट नंबर फोर द एयर हैज एक्सटर्नल पिना एक्सटर्नल पिना ये जो कान जिसको हम कहते हैं ठीक है इससे पहले तमाम जानवरों के अंदर ये कान बाहर की तरफ नहीं होते ठीक है ये पिना मौजूद नहीं है हमारे पास ये मौजूद है पिना एंड मिडल ईयर ओजिकल्स और हमारा जो मिडल ईयर है उसमें ओजिकल्स हैं हड्डियां छोटी छोटी मिडल ईयर ओजिकल्स मैलियस इंकस एंड स्टेप्स एंड स्टेप्स बीइंग द स्मॉलेस्ट ह्यूमन बोन सबसे छोटी हड्डी है इंसानों में और सबसे बड़ी हड्डी थाई बोन जिसको फीमर कहते हैं ठीक है और नंबर फाइव द सर्कुलरटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम जबरदस्त किस्म का सर्कुलेटरी सिस्टम फोर चैम्बर्ड हार्ट फोर चैम्बर्ड हार्ट बर्ड्स के अंदर भी फोर चैंबर्ड हार्ट है ठीक है ये वाला पॉइंट मैंने वहां पर छोड़ा था ताकि यहां पर उसको कंपैरिजन में बताऊं सो फोर चैंबर्ड हार्ट बर्ड्स के अंदर भी फोर चैंबर्ड हार्ट है ठीक है मींस टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स जो कि मुकम्मल पार्टीशन है ठीक है मुकम्मल तौर पर पार्टीशन हैविंग लेफ्ट एयरटिक आर्च हमारे पास लेफ्ट एयरटिक आर्च है बर्ड्स के पास राइट एयोर्टिक आर्च है ये कंपैरिजन था वाइल्ड बर्ड्स हैव राइट एयरटिक आर्ट ठीक है उनमें हमारे पास राइट मिसिंग है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट बर्ड्स के पास लेफ्ट मिसिंग है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट क्लियर नंबर सिक्स द ऑर्गन ऑफ वॉइस द ऑर्गन ऑफ वॉइस इज जी डे स्टूडेंट्स कौन सा और है बर्ड्स के अंदर था हमारे अंदर ठीक है जो कि कहां पर मौजूद है एट द द टॉप ऑफ़ ट्रेकिया लोकेटेड एट टॉप ऑफ ट्रेकिया ट्रेकिया के बिल्कुल टॉप पे मौजूद है चैप्टर नंबर थर्टीन में भी डिस्कस होगा डिटेल से रेड सेल्स वी हैव कॉट वी हैव ए न्यूक्लिएटेड ठीक है ये मेमल्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल होते है मेच्योर रेड ब्लड सेल जो होता है रेड ब्लड सेल ठीक है वो ए न्यूक्लिएटेड होता उसमें न्यूक्लियस नहीं होता Number eight. They are warm -blooded. Warm -blooded का मतलब अपनी बॉडी temperature को मेंटेन कर सकते हैं मतलब के दे आर होमियोथर्म्स आप गिलगिल चले जाएं जहां पर माइनस में टेम्परेचर हो तो अगर आप नॉर्मल हैं, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है छत्तीस से सैंतीस के दरमियान होगा ठीक है और अगर आप जिधर मर्जी चला जाए बाहर अगर 50 डिग्री सेल्सियस भी है तब भी अगर आप नॉर्मल हैं, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा क्योंकि हमारे बॉडी मेंटेन करती है क्लियर वी हैव गॉट थर्मो रेगुलेटरी लाइक द बर्ड्स ठीक है नंबर नाइन द मैम हैव सेपरेट सेक्सेस एंड Usually, आम आमतौर पर आर वी पैरस वी पैरस मतलब के गिव बर्थ टू तो यंग वंस मतलब के बच्चे देते हैं अंडे नहीं देते ठीक है इससे पहले जितने भी एनिमल्स थे सब अंडे देने वाले एनिमल्स थे ओवी पैरस थे ठीक है के मेमल्स होते हैं ये बच्चे पैदा करते हैं ठीक है ये अंडे नहीं देते आमतौर पर ठीक है एंड नंबर टेन द मैमल्स हैव थ्री सब क्लासेस इनकी तीन सब क्लासेस हैं दैट इज नंबर वन प्रोटोथेरियंस नंबर टू metatherians and number three are the eutherians. now the subclass prototheria the prototherians you basically they serve as link link between mammals and the reptiles link between mammals and reptiles like an actually hangy mammals okay pally number two के अंदर दे आर कॉल्ड एज एग लंग मैमल्स दे आर एग लग मैमल्स एक्सेप्शन है मैमल्स में मैंने आपसे कहा था कि ज्यादातर uh, जो मैमल्स हैं वो बच्चे देते हैं सिवाय इन दो के ये प्रोटोथीरियल्स के ठीक है इनमें होता क्या है स्टिल देखिएगा फर्टिलाइजेशन यहां पर जो है वो इंटरनल है डेवलपमेंट भी इंटरनल है मदर के अंदर अंडा बनेगा उसी के अंदर बच्चा पलेगा जब बच्चे की डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी देन ददर लेस एग और बच्चा हैच करेगा वो बर्ड्स की तरह नहीं होता कि अंडा बाहर दिया फिर उसके ऊपर मुर्गी बैठती है इक्कीस बाईस इक्कीस दिन के लिए और फिर उसके बाद इक्कीसवें दिन उसमें से बच्चा निकलता है तो वहाँ पर डिवेलपमेंट जो है वो एक्सटर्नल है ठीक है इस तरह से यहाँ पर नहीं है तो इनमें क्या होता है कि जैसे कि वो एग्ज़ाम्पल है लाइक द डक बिल प्लेटिपस डक बिल टिपस अब इसमें दो फीचर्स कॉम्बाइन हुआ, हुआ है। एक तो डक बिल यानी कि वो डक की जैसी थुथुड़ी इसकी और वेबड फीट ठीक बिल लाइक डक जो चोकि एक बर्ड है प्लस वेब्ड फीट जो भी जैसे बत्तख के होते हैं वेब्ड फीट लेकिन इसके साथ हैव हेयर्स ऑन बॉडी उसकी बॉडी के ऊपर हेयर्स हैं और इसके अलावा फीड्स द यंग ऑन मिल्क दूध के ऊपर पालती है तो मेमेलियन कैरेक्टर इस वजह से उसको डक बिल्प्लटिप कहते हैं इसी तरह से एक और है दैट इज स्पाइनी एंड ईटर ठीक है उसमें भी इसी तरह से उसकी पूरी बॉडी के ऊपर स्पाइंस होती हैं पूरी बॉडी पंजाबी में हम उसको से बोलते हैं से लंबी सी थूथनी होती है वहाँ से ये जो जो कीड़ों की बिल होती है उसमें ये अपने इस थूथनी को डाल के और वहाँ से आंट्स को खाती है ठीक है तो ये इसके अंदर भी इसी तरह से ही है ठीक है इसके अंदर भी एग बनेगा एग के अंदर बच्चा डिवेलप होगा जब डिवेलपमेंट मुकम्मल हो जाएगी एग ले होगा तो उसमें से बच्चा निकलेगा ठीक है बाद में जाके बाहर जाके डेवलपमेंट नहीं है तो स्पाइनी एंटीटर ठीक है तो इसमें फीमेल के अंदर चाहे वो इसके एग डिवेलप होगा उसी के अंदर ही बच्चा डिवेल्प हो रहा है जब ये डिवेलपमेंट मुकम्मल होगी तो तब एग इज लेट और उसमें से हैच करके निकलेगा द तो स्मॉल स्पानी एंटीटर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एकाइना ठीक है इसको एकाइना भी कहते हैं इस वजह से इनको एग लेंग मैमल्स कहा जाता है ये एक एक्सेप्शन है ठीक है लेकिन है मैमल्स क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद हैं और ये बच्चे अपने जो है उस पर दूध पे पालती हैं इनकी फीमेल्स होती हैं अपने बच्चों को इस वजह से सो दे आर द मैमल्स दूसरी जो सब क्लास है सब क्लास दैट इज मेटाथीरिया मैटाथीरिया इनको कहते हैं पाउस्ड मैमल्स और दे आर द मोस्ट मोस्ट प्रिमेटिव इनको कहा जाता है एक्चुअली द मोस्ट प्रिमेटिव मैमल्स क्लियर एंड दे आर कॉल्ड एज पाउस्ड मैमल्स पाउस्ड मैमल्स पाउच कहते हैं थैली को ठीक है और इसके पाउच का एक खास नाम होता है उसे कहते हैं मारसुपियम द पाउच इज कॉल्ड मारसुपियम इसी वजह से इन एनिमल्स को मारसुपियल्स भी कहा जाता है ठीक है मेमल्स को मारसुपियल्स भी कहा जाता है आपने कैंग्रो देखा होगा ठीक है तो जो फीमेल्स होती हैं इन में उनके यहाँ पर सामने वाली साइड पर छाती वाली साइड पर यहाँ पर एक पाउच होता है यहाँ पर और इस पाउच के अंदर वाली साइड पर मौजूद होते हैं निपल्स और जब ये बच्चा पैदा होता है इनके यहाँ तो जब ये बच्चा इनके यहाँ पैदा होगा तो ये उस बच्चे को बचाने के लिए इस थैली के अंदर डाल देती हैं इसे कहते हैं दैट इज मारियम और इसके अंदर ये निपल्स मौजूद हैं ठीक है ठीके? तो ये फीड करते थे जब तक ये बच्चा इस काबिल नहीं हो जाता कि ख़तरात से खुद निमट सके भाग सके दौड़ सके तब तक डे स्टूडेंट्स ये इसको इस पाउच में ही रखते हैं ठीक है और इसी बिहाव के ऊपर इनको कहा जाता है द मेटाथीरियंस मतलब कि द पाउच्ड मैमल्स तो ये दूसरी सब क्लास ठीक है और इसके अंदर जो है कैंगो उसमें तो दो ही एग्जाम्पल्स हैं डाकबिल प्लेटिपस और स्पानी स्पाइन अच्छा इसमें एक और चीज याद रखनी है कि ये दोनों एनिमल्स ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं दे आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया क्लियर और पाउच इसमें ओपोसम कैंगो वुल्फ पोस्म तस्मानियन वाम्पल्स ठीक है इसमें आपने याद रखना है एंड नाउ द थर्ड सब क्लास द थर्ड सब क्लास इज यू थीरियंस सब क्लास यू थीरिया और इनको प्लेसेंट्रल मेमल्स कहते हैं दे आर कॉल्ड एज प्लेसेंट्रल मेमल्स क्लियर प्लेसेंटल्स इज फ्रॉम प्लेसेंटा और प्लेसेंटा का आपको पता है दैट इज अ कनेक्शन ये एक लिंक होता है एक कनेक्शन होता है बिटवीन मदर मदर की यूट्रस एंड फीटस ठीक है तो मार बच्चे के दरमियान एक ना वो एक टिश्यू बनता है लेट सपोज दिस इज यूट्रस ओवरी, so this is uterus, let's तो क्या होगा यहां पर ये यह टिश्यू बनेगा और इसके साथ फिर अटैच है बच्चा ठीक है उसके ऊपर होंगी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, इस तरह से ठीक है और ये जो टिशू बन रहा है जो माँ और बच्चे के दरमियान कनेक्शन का, का काम कर रहा है ये वो पॉइंट ऐसे कहते हैं प्लेसेंटा यहाँ पर हर वो चीज़ एक्सचेंज होगी जो बच्चे को चाहिए गैसेस न्यूट्रिएंट्स एंड यहाँ से जो वेस्ट है बच्चे का वो सारा एक्सचेंज होकर यहाँ से मदर से uh, जो है वो जाएगा थ्रू दिस स्ट्रक्चर प्लेसेंटा और प्लेसेंटा जो है इसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं इट इज़ ऑल्सो एंडोक्राइन ऑर्गन या ग्लैंड के तौर पर काम करता है क्योंकि इसमें से सेक्रेट होता है प्रोजेस्टिर प्रोजेस्टीरॉन और प्रोजेस्टिंग जो है इसे कहा जाता है इट इज़ हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है हॉर्मोन ऑफ प्रेगनेंसी तो इसी वजह से इनको प्लेसेंटल uh, मेमल्स कहा जाता है इनको अच्छा इनके अंदर भी एक दो तीन चीजें अपने जहन में रखनी है एक तो स्पाइन्स वाले मेमल्स भी हैं आमतौर पर तो हमारे स्किन के ऊपर स्पाइन नहीं होती है इसमें है एक एक्सेप्शन प्रोक्यूपाइन और एक के ऊपर है स्केल्स एक स्किन के ऊपर स्केल्स मौजूद है हमारे स्किन के ऊपर स्केल्स नहीं है हालांकि है, है वो मैमल सो दैट इज पेंगोलिन दैट इज ंगोलिन बाकी इसके अलावा मेमल्स की एग्जाम्पल तो आपके सामने बेतहाशा एलिफेंट्स, गोट ह्यूमन हॉर्स एंड डॉल्फिन वेल बैट्स रैट्स एक्सेट्रा ऑल दीज आर द मैमल्स स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द एक्सरसाइज तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़